So look, when we started this film, no, like before a couple of years, the Nirbhaya's incident happened after our postal launch. Our postal launch was in September, and Nirbhaya's incident happened in December, 3 months after that. So it's not like कि भाई Nirbhaya के incident होने के बाद हमने ये शुरुआत करी है कुछ ऐसा. It's like कि भाई जो rapes हो रहे हैं इंडिया में, and this film is basically जो gang rape में होता है वो सारे rape situation को connect करती है. It's like for all the Indian girls it's happening. But since on 16 December the Nirbhaya's thing became very big, all like India police के पीछे आ गई. We found this speech is like well connected with that. क्योंकि Nirbhaya के साथ जो हुआ था, जो हमने प्रिंट में, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जगह पे पढ़ा है कि Nirbhaya के साथ जो हुआ था, आपको फिल्म देखने के बाद कहीं ना कहीं उसके साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे कि जो रानी दीवान के करेक्टर के साथ में भी काफ़ी वो चीज़ें हुई. पर इट्स नॉट लाइक कि वो फिल्म को लाइक वो इंसिडेंट के बाद हमने फिल्म की सोची या दैट इज नॉट व्हाट आई फील इज दैट व्हेन अ प्रोडक्ट कम्स आउट इट टेक्स दैट मच टाइम यू नो इट टेक्स टाइम इन द पोस्ट प्रोडक्शन एंड द एक्टर हरसेल्फ needs to be very you know on that mind that what she wants to do. So when you want to deliver the best, I think it does take that much of time. Yeah, we are expecting a lot of social and women organizations to come forward when this film aaj iska first look hai. Jaise film ki publicity promotions aur aage badhenge, jaise zyada log inko janenge aapke madhyam jo aap jaise baar logo ko bataoge aapke media ke through, aise zyada se zyada log hum chahte hain iske sath ek momentum bana sake isko. फिल्म की रिलीज हम फरवरी तक सोच रहे हैं, तो उससे पहले पूरे इंडिया में एक मूवमेंट बना सके कि एक फिल्म के माध्यम के थ्रू हम एक जैसे हम एक कमर्शियल फिल्म है पर इसके साथ में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. तो वी वुड लाइक कि भाई वुमन ऑर्गेनाइजेशन आगे आए और ये फिल्म को थोड़ा सपोर्ट करें. सीन व्हेन सर बोथ माय डायरेक्टर्स वर नर्टिंग मी द फर्स्ट थिंग दैट वाज स्पीकिंग टू माय माइंड वाज द बैकग्राउंड दैट मेहुल सर डेनिस सर कम्स फ्रॉम द रिनाउंड कंपनी लाइक अष्टविनायक हु हैज गिवन हिट्स आफ्टर हिट्स. So I had that complete faith and trust, and yes, I knew that I would deliver the best because I had such a you know strong backbone with me to support me all the time. And we had nearly a lot of workshop for almost 4 to 5 months for each and every scenes. Let it be in the song, let it be for the murder, let it be for the rape scenes. So like I was actually prepared mentally, you know, because to prepare myself physically, I have to prepare myself mentally more to. जाकिर भाई जब भी कोई टाइटल आता है फिल्म का तो वो फिल्म का टाइटल ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है. जैसे आप मेरी मैं अपनी बात करूँ, मैं फिल्म के साथ 10 साल से एसोसिएटेड था, लेकिन जब दबंग बाहर आया तो दबंग का मतलब मुझे पता नहीं था कि दबंग क्या होता है. पर जब मेकर्स जो फिल्म के होते हैं, फिल्म के आर्टिस्ट होते हैं, जो फिल्म के साथ जुड़े हुए लोग, इसीलिए प्रमोशन वगैरह जब स्टार्ट करते तब वो मीडिया को, ऑडियंस को, सबको समझा पाते हैं कि भाई इसका मतलब ये होता है. अब ये डेब्यू क्यों है, आपका जो क्वेश्चन है कि डेब्यू टाइटल क्यों है, वो आप फिल्म देखोगे तब उसका यू विल कम टू नो द व्हाई द टाइटल इज सो सूटेबल टू द सब्जेक्ट.